राइट गाइस, तुम लोगों के इतने कमेंट आए मेरे पास कि GTA 5 की तरह एंड्रॉइड गेम लेकर आओ। तो ये लो, इतने कमाल के गेम ढूंढे हैं मैंने। GTA 5 की तरह ओपन वर्ल्ड भी होंगे, एंड जो तुम लोग YouTube देखते हो ना कि यूट्यूबर अजय गरीब ट्रैक्स बना के स्टंट मारते हैं, भाई वैसे गेम भी लेकर आया हूँ। GTA 5 ऑनलाइन खेलने का शौक है, नए दोस्त बनाने हैं, उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, उनके लिए आज का हमारा पहला गेम परफेक्ट रहेगा, वॉइस ऑनलाइन। ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं तुमको इस वाले गेम के बारे में बताया है, लेकिन क्या करे जी, ये गेम है इतना अच्छा। लास्ट अपडेट में पिज्जा डिलीवरी जॉब आई है, एंड पहले भी मैंने तुमको बताया है कि गेम का मैप बहुत ही बढ़िया है, सिटी है, डेजर्ट है, रिवर है, तो भाई कितना मजा आया घूमने में। जो गेम को डेली प्ले करते हैं उनको तो पता है कि गाइस कितना कुछ तुम लोग अनलॉक कर सकते हो। रोसिता, अगर मैं सही प्रनाउंस कर रहा हूँ तो, सच में यार कितनी जबरदस्त कार है ये, भाई 4 मिलियन की है ये। इसे बाय करने में हालत खराब हो जाती है, अगर तुम में से किसी ने बाय करी हो ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। जो भी गेम में चीज है वो मोस्टली फ्री है, जो गेम में पैसा खर्च नहीं करना चाहता वो भी सब कुछ अनलॉक कर पाएगा, लेकिन हाँ उसके लिए भाई तुम लोगों को जॉब करनी होगी, मिशन कम्प्लीट करने होंगे, डेली इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा, भाई तभी तो पैसे मिलेंगे, तभी तो तुम लोग रोसिता सबसे महंगी कार बाय करोगे। बाकी तुम लोग गेम में क्या चाहते हो कि क्या आना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ चलो अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं, रोप हीरो माफिया सिटी वॉर। ऑलराइट गाइस, रोप हीरो वाइस टाउन तुम लोगों ने खेला ही होगा, तो इस बार अपने प्यारे रोप हीरो को क्रिमिनल्स की बैंड बजानी है, लेकिन इस बार ये गुंडे लोग फ्यूचर से आए हैं। राइट नाउ गाइस, स्वयं भी में सबसे शानदार क्लोन है GTA 5 का ये, ग्राफिक्स क्वालिटी के मामले में तो मे बी नहीं, लेकिन कितना शानदार गेम है ये। गेम शुरू होता है जब अपना सुपर हीरो टिप्सन से मिलने जाता है, तो वो बताता है कि फ्यूचर से एनिमी आ गए हैं एंड पुलिस भी उनको रोक नहीं पा रही है, तो मैं एक एनिमीज का पीछा करता हूँ, उनके अड्डे पर पहुंचता हूँ। अब रोप हीरो एनिमीज का क्या हाल करेगा उसके लिए तुमको गेम को प्ले करना पड़ेगा। मेन स्टोरी होने के साथ तुम्हें ज़ॉम्बी से बैटल करनी होगी, रोबोट भी है गेम में, एंड ये तो तुमको पता ही कि भाई अपने सुपर हीरो के पास स्पाइडरमैन की पावर है, और अगर ये भी कम पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से बढ़कर एक वेपन्स भी है। एंड यार सच में जितना बड़ा ओपन वर्ल्ड तुम्हें इस गेम में देखने को मिलेगा ना शायद किसी और गेम में है, लेकिन भाई थर्ड नंबर पे मैंने जो ओपन वर्ल्ड गेम रखा है ना भाई, ये गेम तो बापों का भी बाप है। वेल, मैं बात कर रहा हूँ गैंगस्टर न्यू ऑरलियंस गेम की। राइट नाउ गाइस, जैसे नेट इज बहुत ही हाई ग्राफिक गेम बनाती है ना एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए, वैसे गाइस आज से 5 साल पहले गेम नोट भाई बहुत ही खतरनाक गेम बनाया करती थी, तो उसने ये वाला गेम बनाया है। एंड लिटरली गाइस, जब एक बहुत ही बड़ी कंपनी एक गेम पे काम करती है ना, तो भाई वो गेम लाजवाब होता है। जैसे इस गेम को तुम लोग देख लो, गेम स्टोरी लाइन, ग्राफिक्स क्वालिटी कितनी अच्छी है, गेम में तुम लोग को छोटी डिटेल देखने को मिल जाएगी जो कि बेसिकली पिछले गेम में नहीं है। तुम लोग देखोगे तो तुम्हें ज्यादा से समझ में आएगा, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इन चीजों को। मैंने इस वीडियो के लिए पहले वाले मिशन को रिकॉर्ड किया है, तो उसी का गेम प्ले मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, जिसमें आई थिंक मुझे अपने फ्रेंड को बचाना होता है जिसको एक गुंडे ने एक मैसेज के अंदर पकड़ के रखा हुआ था। इतना स्मूथ कंट्रोल, इतनी ज्यादा डिटेलिंग, इतना बढ़िया गेम प्ले शायद मैंने आज तक किसी और गेम में देखा है। तो अगर तुम लोगों को एक ग्रेट स्टोरी लाइन के साथ एक बढ़िया ओपन वर्ल्ड गेम प्ले करना है जो कि GTA 5 की तरह हो, तो भाई ये हमेशा मेरा गेम फर्स्ट चॉइस रहेगा। फोर्थ नंबर पे यार मैंने GTA 6 गेम को रखा है। अरे ये GTA 6 कहां से लेकर आ गया मैं? अरे सुनो, ध्यान से सुनो, आज से कुछ टाइम पहले एक हैकर ने रॉकस्टार के सर्वर्स को हैक करके GTA 6 का गेम प्ले यूट्यूब पे लीक कर दिया था। तो बेसिकली हम लोग को अंदाजा हो गया है कि GTA 6 का गेम प्ले कैसा होने वाला है एंड उसमें कौन कौन से करेक्टर होंगे। तो उसी से इंस्पायर होके गेम ऑन बजट ने GTA 6 का एक फैन मेड गेम बनाया है। तो GTA 6 में यार इस बार फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी होने वाली है, तो वो तुम इस गेम में देख सकते हो, एंड एक्सप्लोर करने के लिए एक मैप डिजाइन किया हुआ है। तो बेसिकली फैन मेड गेम है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि भाई अगर GTA 6 कभी मोबाइल के लिए आएगा तो उसका गेम प्ले कैसा हो सकता है। जो तुम गेम प्ले देख रहे हो ये मैंने उसके YouTube चैनल से लिया है, डाउनलोड लिंक आप लोग उसके चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जब मैंने इस वाले गेम को अपने स्मार्टफोन में प्ले किया, मेरे पास Samsung S20 FE है, उसमें 6 GB रैम है एंड Snapdragon 800 का है, तो गाइस गेम काफी ज्यादा लैग कर रहा था। तो गेम को तुम लोग तभी डाउनलोड करना जब तुम लोग 500 MB अपना डाटा वेस्ट करना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि गेम तुम्हारे फोन में भी लैग करे। एंड लगे हाँ तो यार तुम लोग एक बार गेम और बजट चैनल को भी विजिट कर लेना, क्योंकि लिटरली गाइस इस बंदे ने बहुत ही अच्छे अच्छे फैनमेड गेम बनाए GTA 5 के, एंड अब तो यार GTA 6 के फैनमेड गेम बना रहा है, तो थैंक यू बोलना तो एक बार बनता ही है। नंबर 5 पे है गैंगस्टर माफिया सिटी। क्या हो गया यार इस गेम को, डेवलपर ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। पहले मैं तुमको ओल्ड वर्जन का गेम प्ले दिखाता हूँ, कितना मस्त लग रहा है ने गेम, कितनी बढ़िया सिटी है, कार के अंदर मैं घूम रहा हूँ, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, हरियाली है, पेड़ लगाए हुए हैं। एंड अब देखो तुम, जब गेम का अपडेट आया उसके बाद का गेम प्ले,
यस, पूरा मैप ही चेंज कर दिया है। एंड अगर तुम लोग कंपेयर करोगे ना, पुराने वाला मैप था वो ज्यादा बेटर है। बाकी देखो सबके अपनी अपनी चॉइस होती है, मे बी किसी लोगों को ये वाला मैप ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू पिछले वाला। तो मैं दोनों का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यस, गेम खेलते वक्त तुमको GTA 5 गेम जितना मजा आएगा वैसे ही बढ़िया ओपन वर्ल्ड है, जहां पर तुम लोग अपने भाई के लिए मिशन कंप्लीट करोगे। गैंगस्टर से फाइट करनी है, चोरी करनी है, भाई वो तो तुम्हारा भाई डिसाइड करेगा, उसके ऊपर है। लेकिन वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक कर दो। इस वाले गेम की बात कर रहा था जिसमें यार हम लोग यूट्यूबर की तरह स्टंट मारने वाले है। तो 6 नंबर पर जिस गेम को रखा है इसका नाम है GT कार स्टंट। अब बहुत हो गया भाई यूट्यूब पे लोगों को स्टंट मारते हुए देखना, अब हम लोग खुद स्टंट मारेंगे। इस वाले गेम में देखो यार आप लोगों को इतने जबरदस्त ट्रैक देखने को मिल जाएंगे GTA 5 की तरह, एंड उनको यार आप लोग कंप्लीट करना होगा। तो कितना ज्यादा मजा आएगा ना। मैंने देखो यार स्टार्टिंग की कुछ लेवल कंप्लीट करें तो देखो स्टार्टिंग में 2-3 लेवल तो बड़े आसान थे, लेकिन भाई उसके बाद बहुत बड़े बड़े ट्रैक्स होते हैं एंड वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो कंप्लीट करने यार हाल खराब हो जाते हैं। लेकिन जब कंप्लीट होता है ना तो भाई साहब बहुत बढ़िया फील आता है। देखो यार बहुत जबरदस्त कार से सभी तुम लोग अनलॉक कर सकते हो, एंड करेक्टर कितने मस्त है, स्पाइडरमैन है, चिंपैंजी है, एनडीआर, मतलब कितने बढ़िया बड़े करेक्टर है। तो भाई अगर आप लोग भी GTA 5 की तरह ऐसे स्टंट मार के मजा लेना चाहते हो ना तो भाई गेम बिल्कुल ही वैसा है, डाउनलोड करके प्ले करके देखना। मुझे याद है कि GTA 5 के फर्स्ट मिशन में माइकल एंड ट्रेवर मिलकर बैंक में चोरी करते हैं, कुछ वैसे ही हमारा आज का अगला गेम है आर्म्ड हाइस्ट। ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है ये, लेकिन खेलते वक्त तुम लोगों को लगेगा कि यार मैं GTA गेम प्ले कर रहा हूं। हम लोगों को भी ना माइकल एंड ट्रेवर की तरह बैंक में जाना, चोरी करना एंड फिर भागना है वहां से। सुनने में कितना मस्त लग रहा है ना भाई, सच में लिटरली बहुत अच्छा गेम है। एंड पता कमाल की बात क्या है कि अकेले खेलो, अपने दोस्तों के साथ खेलो या फिर PvP खेलो, तो लिटरली भाई अकेले खेलने का भी मजा आ गया एंड अपने फ्रेंड के साथ भी। तो भाई गेम प्ले में तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, मस्त लग रहा है ना। बैंक के अंदर जाओ, चोरी करो एंड भाग निकलो वहां से। एंड गेम में देखो तुमको बहुत सारी गन देखने को मिल जाएगी एंड मास्क होगा, क्योंकि यार तुम लोग चोर हो तो मास्क भी तुम्हारे पास होने चाहिए ना। तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया मास्क भी है। लेकिन आज का वन ऑफ द बेस्ट गेम मैंने यार 8 नंबर के लिए बचा के रखा हुआ था, जिसको मैंने नाम दिया है GTA 5 प्रोलॉग। यार अगर अभी तुम लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो लिटरली गाइस आप लोग बहुत गंदे हो, क्योंकि यार सच में मैं तुम लोगों को GTA 5 का पहले वाला मिशन अपने स्मार्टफोन में खेलने का मौका दे रहा हूं। बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, गेम प्ले तुम्हारे सामने चल रहा है जिसको यार मैंने वीडियो बनाने से पहले ही रिकॉर्ड किया है। GTA 5 से कंपेयर करोगे तो बस ग्राफिक्स क्वालिटी में फर्क है, वरना खेलने में तो भाई पहले मिशन जैसा ही है। माइकल एंड फ्रैंकलिन बैंक में चोरी करने की ट्राई कर रहे हैं। सो यार ये भी फैन मेड गेम है, ये मत समझ लेना कि GTA 5 मोबाइल के लिए आ गया, कभी आएगा तो बता देंगे, लेकिन एटलीस्ट अभी के लिए तुम गेम के स्टार्टिंग के मिशन को खेल के तो मजा ले ही सकते हो। 9 नंबर पे मैंने जो गेम रखा है भाई ये तो कति जहर गेम है, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग। ग्राफिक्स क्वालिटी देखो हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रही है, लेकिन भाई इस गेम में बस एक चीट कोड डालना है और बस यामाहा, स्कॉर्पियो, रोल्स रॉयस, ड्यूक, बुगाटी, ओडी, एक्टिवा 4G, पल्सर, कवासकी निंजा, थार, KTM, ऐसी कितनी सारी बाइक्स और कार से ड्राइव करने के लिए मैंने देखो स्कॉर्पियो, रॉयल्स रॉयस, यामा, एक्टिवा 4G चलाई थी। तो ठीक है मजा आया, टाइम पास करने के लिए खेला जा सकता है। ऊपर से यार गेम का साइज भी सिर्फ 75 MB का है, और क्या लोगे यार, बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड भी है ड्राइविंग करने के लिए एंड कैरेक्टर कस्टमाइज करने का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। तो सच में अच्छा गेम है, GTA 5 गेम खेलने जैसे मजा आता है। तो सभी चीट कोड मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड अब वाली हमारे आज के आखिरी माइंड ब्लोइंग गेम की गैंग्स टाउन स्टोरी। इस गेम को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए ना तो ग्रेट स्टोरी लाइन विद ग्रेट ग्राफिक। यस गाइस ये वाला गेम भी कम्प्लीटली GTA 5 की तरह है, जहाँ पर हम लोग एज अ गैंगस्टर प्ले कर रहे हैं एंड अपना मोटिव है कि भाई हम लोग को सिटी पे कब्जा करना है। बेसिकली जो सबसे बड़ा गुंडा था इस सिटी का, उसको लोकल गुंडों ने मार दिया है, तो माफिया, क्रिमिनल्स एंड जितने भी गुंडे हैं वो सिटी पे अब कब्जा करना चाहते हैं। अगर गैंगस्टर न्यू ओल्ड गेम पसंद आया है तो ये वाला गेम भी तुम्हें पसंद आएगा। आई होप गाइस मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो इसी बात पे एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग आगे भी ऐसी माइंड ब्लोइंग वीडियो देखना चाहते हो। तो मेरी तुम लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।